Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Very happy good morning. Can you hear me class? ये तो स्टार्ट मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स इनको स्टार के स्टार मेथड ऑफ इंटरव्यू स्किल्स ये तो पीपीटी में है। ये स्टार मेथड क्या होता है? स्टार एसए मीन सिचुएशन। यस 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 लेकिन वो है ही नहीं उसमें। मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स ओके डिफाइन इंटरव्यू स्किल्स विद लॉजिकल स्टेप्स। हां वो तो ठीक है। डिफाइन द एसेंशियल स्टेप्स ऑफ सीवी डेवलपमेंट। ये तो सीवी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। एक्सप्लेन इट विद सूटेबल सेंटेंस। ये लेकिन मुझे नहीं पता होगा कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं। हां लेकिन उसके जो है एक्सप्लेन इट विद सूटेबल एग्जांपल्स वो भी करवाई हुई है इनको। राइट मिनट्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स हेल्ड एट डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग पंजाब रिगार्डिंग मेल इंडक्शन एट नर्सिंग कॉलेज। मीटिंग एंड मिनट्स इनको कल भी मैंने रिवाइज करवाए हैं सारे। लिखने थे उसका फॉर्मेट। हां लिखने थे। हां फॉर्मेट भी सारा मैंने कर लिया। फॉर्मेट मैंने दो तीन इनको करवाए हैं मैंने। हमारे पास फॉर्मेट था मैं इस तरह था कि सबसे पहले जो था मतलब कि वेन्यू क्या है एंड टाइमिंग। हां वेन्यू स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग। हां चेयर पर्सन अटेंडेंस। फिर उसके बाद ये था कि एक टेबल हम बनाते थे। उस टेबल में हम यहां पे लिख लेते थे कि कौन कौन सी चीजें हैं। हां उसका एजेंडा क्या है आगे से उसमें उनके। हां किस किसने करना है कौन से स्टेप्स हुए हैं उसके। हां और कितने देर में होना है वही चीजें। व्हाट कंपोनेंट्स शुड बी इन द पोस्टर प्रेजेंटेशन वो भी सारे एडवांटेजेस सारे करवाया हूं इनको। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं मेजर टाइप्स। हां पब्लिक स्पीकिंग भी करवाई हुई है। एलिमेंट्स और टाइप्स थोड़ा सा भी इसमें ये भी वो करवाया हुआ है। एलिमेंट्स और टाइप्स इसमें इन्होंने ये स्टार तरह के स्टार की वजह से इसमें लेकिन बाकी वजह से इन्होंने कंफ्यूज होना है। हां के हुआ क्या इसमें। और हां ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो मेरे साथ में तुम वो अपनी किसने भेजा है मुझे सेंड करो थोड़ा। आपको भी सारी आवाज आ रही थी मेरी जब मैं पेपर डिस्कशन कर रही थी। जी इज माय वॉइस क्लियर क्लास। Hey, can you hear me? ओके जी क्लियर है। राइट ये बड़ी अच्छी बात है कि वॉइस जो है वो क्लियर है। ओके जी लेट्स स्टार्ट द मेमो राइटिंग। जी गुड मॉर्निंग। जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने जो स्टार्ट लेना था वो लेना था हम लोगों ने मेमो राइटिंग से। अभी लास्ट जो है हमने पिक्री अपनी जो है वो ख़त्म की है उसमें।
abstract writing, ठीक है, abstract writing के बारे में if you want to ask any question regarding the abstract writing, तो आप लोग मुझे बता देंगे कि abstract writing में आपको क्या क्या problems face करनी पड़ी हैं. My voice clearly. जी मेमो राइटिंग अगर हम बात करें क्लास व्हाट इज मेमो राइटिंग बेसिकली व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेमो राइटिंग कि मेमो राइटिंग है क्या बेसिकली. ठीक है जी कैन यू हियर मी. जी आवाज आ रही है आपको. हेलो कैन यू हियर मी क्लास. जी ओके आवाज आ रही है. ओके जी मेमो राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बेसिकली मेमो राइटिंग आपको शायद ही पता हो, मेमोरेंडम भी कहते हैं इसको. ठीक है यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज में ही देखा होगा तो आप लोगों के बहुत सी जो है यहाँ पर लगे हुए थे यहाँ पर ही मेमोरेंडम के जो है मेमो लिखे हुए होते थे. ऑफिस के जो है आप लोगों की टाइमिंग्स और सारा कुछ वो जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था मेमो. शायद आप लोगों ने देखा हुआ हो या ना देखा हुआ, लेकिन अभी जब आप लोग वापस आएंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसमें मेमो. ठीक है यहाँ पर मेमो राइटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग. नाम सुना हुआ ओके शाबाश. ठीक है चले शुक्र है कि नाम सुना हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर नोटिस बोर्ड में भी लिखे होते हैं मेमो. पता नहीं आप लोगों ने वो मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन आगे आप लोग जो है वो नहीं करते. मतलब जो नोट होता है उसका जो बॉडी पैराग्राफ होता है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर जो मेमो राइटिंग का लिखा हुआ होता है दिया हुआ होता है हेडिंग, वो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं देखते. एनी हाउ ये भी मेमो का जो है एक दिया हुआ फॉर्मेट ही मेमोरेंडम का. टू होता है फ्रॉम होता है डेट होती है और सब्जेक्ट होती है. बेसिकली ये मेमोरेंडम में आता है. ठीक है Thank you.
कस्टमर जिस तरह जिसको लिखना होता है वो टू में आ जाता है, फ्रॉम जो होता है वो आ जाता है जिसकी तरफ से लिखा जा रहा होता है, ठीक है। और डेट जो है आप लोगों की, इस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी एप्लीकेशन में भी बहुत दफ़ा बताया हुआ कि मे 12, 2012 इस तरह से ही आता है, सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है। मेमो राइटिंग बेसिकली आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में आता है करने के लिए मेमो राइटिंग, समटाइम उसमें इस तरह की मेमो राइटिंग आ जाती है, मेमोरेंडम इस तरह का आ जाता है आप लोगों को कि टॉपिक दिया हुआ होता है सारे का सारा, ठीक है, मेमो राइटिंग का तो टॉपिक दिया हुआ होता है, आगे आप लोगों ने करना होता है सारा, ठीक है, उस टॉपिक पे मेमोरेंडम आप लोगों ने लिखना होता है। लेकिन सम टाइम जो है आप लोगों को इस तरह की कंडीशन जो है वो आ जाती है कि मेमो राइटिंग की जो स्लाइड्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो आ जाता है, ठीक है, तो वो सारा कुछ आप लोगों ने करना होता है जी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है मेमो राइटिंग का तकरीबन कुछ मिलता जुलता जो है वो दिया गया है कि राइट अ मेमो अबाउट द, राइट द मेमो अबाउट कुछ भी आ सकता है इस तरह से, डिफरेंट सिचुएशंस भी होती हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल राइट अ मेमो टू योर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अबाउट एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्पोर्ट्स डे, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो टू किस में आ जाएगा आप लोगों का वो लिखेंगे, फॉर्म किस में आ जाएगा आप लोगों का वो लिखेंगे आप लोग, डेट किस में आ जाएगी किस तरह से आ जाएगी वो लिखेंगे, सब्जेक्ट किस तरह से आ जाएगा वो लिखेंगे आप लोग, ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट भी हम लोग उसमें लिख देंगे, टू किसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को लिखना है, ठीक है, सीईओ को हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन साथ में नेम भी लिखना होता है, ठीक है, फ्रॉम जो भी आपका नेम है डेजिग्नेशन है वो लिख देंगे आप लोग, ठीक है, उसमें डेट क्या है आप लोगों की वो लिख देंगे आप लोग, और फिर आगे सब्जेक्ट क्या है अबाउट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्पोर्ट्स डे, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। लाइक एप्लीकेशन ही होता है मेमो राइटिंग में जो होती है, एप्लीकेशन की तरह ही आप लोगों ने लिखना होता है, लेकिन एप्लीकेशन में फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, मेमोरेंडम जो है वो एप्लीकेशन ही की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है फॉर्मेट चेंज होता है, ठीक है, उसमें भी टू जो है वो डेजिग्नेशन पर लिखते हैं, एप्लीकेशन में फ्रॉम जो है वो बिल्कुल एट दी एंड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं तो पूरे का पूरा फॉर्मेट इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। मेमोरेंडम जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हमें आपको मेमोरेंडम फॉर्मेट कुछ यहाँ पर भी आप लोग जब अपने नोटिस बोर्ड पर भी देखेंगे तो मेमो किस तरह से तो वो भी आप लोगों का जो है वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो टू आ गया, फॉर्म आ गया, डेट आ गया और सब्जेक्ट आ गया, आगे जो भी सब्जेक्ट होता है जिसको सेंड करना होता है वो आप लोग सारे का सारा जो है वो सब्जेक्ट लिख देते हैं, क्लियर। वो उस तरह से जो है वो टू आ जाता है, फिर फॉर्म आ जाता है, फिर डेट आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताई हुई है कि डेट आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि फर्स्ट जो है आप लोगों ने मंथ लिख देना है, उसके बाद जो है वो डेट लिख देनी है, कोमा आ जाना है और उसके बाद ईयर आ जाना है आप लोगों का, क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट का जो भी आप लोगों को सब्जेक्ट दिया होगा, अब मेमो का एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि राइट अ मेमो टू द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अबाउट द क्या है एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्पोर्ट्स डे, एक ये आ गया आपको, लेकिन मेमो राइटिंग के जो है वो क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन किस तरह से उनको मेमो राइटिंग के, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि मेमो राइटिंग की जो स्लाइड्स होती हैं तो वो आ जाते हैं आप लोगों के, क्लियर जी। आगे जो है इंट्रोडक्शन आ गया है, व्हाट इज मेमो, मेमो है क्या, मेमो इज अ डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट होता है दैट इज जनरली शॉर्ट, जो कि शॉर्ट होता है, फोकसेस ऑन अ सिंपल टॉपिक, रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन, मेक्स अ टॉपिक, मेक्स अ रिक्वेस्ट और रिकमेंड्स एक्शंस, इट फॉलो स्पेसिफिक फॉर्म्स, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज मेमो, मेमो हो गया, मेमो इज अ डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट दैट इज जनरली शॉर्ट, जो कि शॉर्ट होता है, फोकसेस ऑन अ सिंगल टॉपिक कहते हैं, एक ही टॉपिक पे जो है मेमो राइटिंग जो होती है एक ही टॉपिक पर होती है। अब मेमो राइटिंग में और एप्लीकेशन में और लेटर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन डिफरेंस होता भी है, एप्लीकेशन में जो है स्पेसिफिक टॉपिक पे ही जो है वो आप लिखे होते हैं, इसी तरह से मेमो भी जो है वो मेमोरेंडम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है आप लिख रहे होते हैं, सिंगल टॉपिक पे ही डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है, यानी कि 2-3 टॉपिक्स जो है इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन लेटर में ये होता है कि ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उसमें भी एक ही जो है वो दिया जा रहा होता है, लेकिन आगे जो है वो डिफरेंट उसमें किए जाते हैं, रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन,
ठीक है, इंफॉर्मेशन की कोई रिपोर्ट देनी होती है, मेक्सा रिक्वेस्ट या मेमोरेंडम में जो है वो रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोई इंफॉर्मेशन देंगे, रिपोर्ट की देंगे, और रिकमेंडेशन एक्शन होते हैं कि क्या रिकमेंडेशन है। एक फ्लो स्पेसिफिक फॉर्म जिसमें स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं पेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड होता है, और उसमें डिफरेंट जो है स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं। हर किसी का जो होता है अपना अपना मोमेरेंडम का एक मेथड होता है, ठीक है। कुछ मोमेरेंडम जो होते हैं वो बनाए हुए होते हैं, हैंड रिटन हम लोगों ने करने होते हैं, ठीक है, या टाइप करके देने होते हैं, और कुछ मोमेरेंडम जो होते हैं वो हम लोगों ने इसी तरह से बनाए होते हैं कि फॉर्म बना हुआ होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म बना होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अब मेमोरेंडम है क्या, मेमोरी डॉक्यूमेंट डेट इज जनरली शोर्ट, ये शोर्ट होता है, फोकस करता है सिंगल टॉपिक के ऊपर, रिपोर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मेक्स अ रिक्वेस्ट होती है, इसमें रिकमेंडेशन एक्शन होते हैं, एक फॉर स्पेसिफिक फॉर्म जो टेम्पनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने शोर्ट होते हैं, कंसाइज होते हैं, फोकस करते हैं सिंगल टॉपिक पे ही, ठीक है, ये इसकी जो है क्वालिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन होते हैं, अच्छा रिक्वेस्ट होते हैं, एक्शन होते हैं, फॉर स्पेसिफिक फॉर्म जो टेम्पनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंड करता है। ऑडियंस एंड पर्पस है क्या मेमो है आपको, फुल पर्पस होता है, तो फुल पर्पस होता है इसका, दे ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम्स एंड दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, कहते हैं दे ब्रिंग अटेंशन, कहते हैं अटेंशन लेके आते हैं टू प्रॉब्लम्स एंड दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम की तरफ हम लोगों ने ध्यान दिलाना है, किसी का अटेंशन दिलानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो भी हम मेमो राइटिंग करते हैं, और उस प्रॉब्लम का अगर हम लोगों ने सोल्यूशन लेना है तो भी हम मेमो राइटिंग करते हैं। Then complete their goal by informing the reader about new information like policy change, अगर policy change हुई है, ठीक है, तो हम लोगों को अगर कोई problem face करनी पड़ी है तो भी हम जो है वो ही लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज हो गया प्राइसेस तो भी हम लोग जो है मेमो ही लिखेंगे, और व्हेन दे कनेक्ट द पर्पस ऑफ द राइटर विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द रीडर, के हम ये भी देखेंगे कि नीड्स ऑफ रीडर है क्या, ठीक है जी। इंटरेस्ट जो है वो पर्पस ऑफ द राइटर्स विद द इंटरेस्ट के इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द रीडर, रीडर है क्या, वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखेंगे। अब क्या है ये मेमो राइटिंग, अगर प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो भी हम मेमो राइटिंग ही लिखेंगे। हाँ, अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को जो है वो कोई सोल्यूशन देना है तो भी हम क्या करेंगे, मेमो राइटिंग ही करेंगे। लेकिन ये ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, और नीड्स ऑफ रीडर, नीड ऑफ ऑडियंस क्या है उसको भी सामने रखते हुए हम मेमो राइटिंग के जो है वो लिखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था, ये अगर लास्ट स्लाइड में हम लोग देखें, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द स्पेसिफिक फॉर्म्स, के स्पेसिफिक इसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग करवाई थी, रिपोर्ट राइटिंग का मैंने आपको मेथड भी बताया था कि किस तरह से होती है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का मेथड जब बताया आप लोगों को, तो उसके बाद जो है रिपोर्ट राइटिंग के मेथड के बाद आप लोगों को मैंने हैंड रिटन इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है वो सारा कुछ करना बताया था। ऐसे ही क्लास याद है या भूल गए हैं, लगता स्टूडेंट्स भूल ही गए होंगे मेरे ख्याल से। अ मेमो इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज जनरली शॉर्ट होता है, सिंगल टॉपिक को फोकस करता है, लेकिन मेक अ रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन एक्शन होता है, फॉर स्पेसिफिक फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है इसका फॉर्म जो होता है। लेकिन इसका रिटर्न फॉर्मेट जो है वो भी मैं आप लोग जब आप लोग पाएंगे मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊंगी, और इसके हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से जब हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा।
जी आवाज क्लियर है अब आप लोगों को स्टूडेंट्स? जी इस तरह से जो है वो डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स दिए हुए होते हैं, कुछ को जो है वो फॉर्म्स दिए हुए होते हैं, कुछ फॉर्मेट जो है आपको से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है, इंसिडेंट रिपोर्ट भी मैंने जिस तरह आप लोगों को करवाई थी कि अगर आपके पास इंसिडेंट फॉर्म भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर इंसिडेंट फॉर्म जो है आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जो है वो इस तरह से करना शुरू करेंगे। क्लियर? मेमोज ए डॉक्यूमेंट दैट इज जनरली शोर्ट होता है, फोकस करता है सिंगल टॉपिक को, रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन होती है, मेक्स अ रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट सेक्शन होते हैं, इनक्लोज स्पेसिफिक फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पर ही डिपेंड करता है कि उसने अपना फॉर्म किस तरह से जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ऑडियंस और पर्पज की बात करते हैं तो इसमें ऑडियंस के सबसे ज्यादा पहले जो है वो पर्पज ही देखना पड़ता है कि वट इज आर पर्पज टू कन्वे द मैसेज, ठीक है। वट इज आर पर्पज टू मेक अ पीपीटी और वट इज पर्पज टू राइट अ मेमो, ठीक है। लिखा किसको जा रहा है, कितने लोगों को लिखा जा रहा है, सिंगल टॉपिक को ही हमें इसमें डिस्कस करना है। लेकिन ये लिखा किसको जा रहा है, किसी जो है वो हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही जाना है या ये ज़्यादा लोगों को जाना है, ठीक है। टू फोल्ड पर्पज हैं इसके हमारे सामने, अटेंशन टू प्रॉब्लम, ब्रिंग अटेंशन टू प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स को दिखाना कि हैं क्या प्रॉब्लम्स, दिस कैन सोल्व, के किस तरह से सोल्व की जा सकती हैं। देन कंप्लीट देयर गोल्स बाय इन्फॉर्मिंग द रीडर अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन लाइक पॉलिसी चेंजेस, प्राइस इंक्रीजेस और बाय when they connect to the purpose of the writer with the interest and needs of the reader, need of the reader hai kya, basically ye sari cheeze jo hai wo isme aa jati hai. Is it clear to all of you class? Itna samajh aa gayi aap logon ko ki kya kehna cha rahi hu main? शाहरुख खान प्रेजेंट? शाहरुख खान आप आज कहाँ से प्रेजेंट हो गए हैं? अमेजिंग फॉर मी दैट शाहरुख खान इज प्रेजेंट हियर, किसी और के नाम से शाहरुख एंटर हो गया है। अपनी आंखों को बार बार पढ़ेंगे ये शाहरुख खान लिखा हुआ है कि प्रेजेंट लिखा हुआ है शाहरुख खान ने। ओके जी, अक्सर अटेंडेंस जो है वो एट द एंड ही होगी आप लोगों की। ओके जी, ऑडियंस एंड पर्पस, नेक्स्ट स्लाइड वी कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक, ऑडियंस एंड पर्पस, चूज द ऑडियंस ऑफ द मेमो वाइजली कहते हैं। मेमो लिखना है आपने ऑडियंस को तो आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा कि ऑडियंस आपके हैं किस किस्म के। इंश्योर दैट ऑल ऑफ द पीपल दैट द मेमो इज एड्रेस नीड टू रीड द मेमो, कहते हैं ये आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छे से आपको श्योर होनी चाहिए, इंश्योर होनी चाहिए कि आप लोगों को ने जो है वो लिख रहे हैं, जिसको भी मेमो राइटिंग जो है वो आप कर रहे हैं मेमो, क्या उसको ज़रूरत भी है मेमो राइटिंग की कि नहीं है। Choose the audience of the memo wisely. Ensure that all of the people that the memo is addressed to need to read the memo. कहते हैं कि ये इस बात की ज़रूरत है। आप लोग शो कर लें कि लोग जो हैं वो हमारे ऑडियंस किस किस्म के हैं, हमने मेमो राइटिंग करनी किस तरह से, ठीक है, और किसके लिए करें, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर वी आर गोइंग टू राइट द मेमो टू, एंड राइटिंग इज जस्ट टू नीड टू रीड द मेमो, के ज़रूरत क्या है मेमो राइटिंग लिखने की, जो हम एड्रेस करने जा रहे हैं टॉपिक्स को उसका क्या है। If it is an issue involving only one person, don't send the memo to the entire office. कहते हैं अगर किसी से
जिससे हमने कोई डिस्कशन करनी है सिर्फ एक ही शख्स से ऑफिस के करनी है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मेमो राइटिंग जो है वो तमाम ऑफिस को ही करके भेज दें, क्योंकि आल्सो बी सर्टेन दैट द मटेरियल इज नॉट टू सेंसिटिव टू पुट इन अ मेमो। ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है, बी सर्टेन दैट द मटेरियल इज नॉट टू सेंसिटिव टू पुट इन अ मेमो। ये मटेरियल जो भी आप लोग बुक ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसको मेमो, कोई सेंसिटिव इशू है तो आप लोग मेमो राइटिंग उसके लिए करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। Sometimes the best forms of communication are face-to-face interaction or a phone call. कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पे मेमो ही लिखने बैठ जाएं, अगर आप लोगों को कोई अपना काम करना है तो भी आप लोग मेमो लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ और किसी अगर पर्सनल इशू है या कोई पर्सनल आप लोगों ने डिस्कशन करनी है तो भी आप लोग मेमो लिखने बैठ जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग टू राइट मेमो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमो राइटिंग के लिए बेस्ट वे क्या है। बेस्ट वे यही है कि अगर आप लोग किसी से डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट करें, सबसे पहले उसमें सब, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेट करें। अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर आप लोग फ़ोन कॉल जो है वो इंटरेक्शन फोन कॉल कर दें ताकि बात समझ में आ जाए। अगर फिर भी आप लोग ऑफिशियली कोई ऑफिशियली कोई काम करना चाह रहे हैं या ऑफिशियली जो है आप लोग भेजना चाह रहे हैं, मेल करना चाह रहे हैं या मेमो राइटिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बेस्ट वे होगा कि आप मेमो ही राइटिंग करें। ओके जी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ऑडियंस को सबसे पहले जो है ऑडियंस एंड पर्पस में अगर हम देखें तो आप लोगों ने अपने ऑडियंस को जो है वो वाइजली चूज करना है, इंश्योर करना है कि पीपल दैट मेमो इज बेस्ट टू रीड द मेमो, कि वो मेमो को लिख लें। इफ इट इज एन इशू इन्वॉल्विंग ओनली वन पर्सन, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है इस सारे इशू में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर प्रॉब्लम क्रिएटिंग में, तो फिर आप लोग इंटायर ऑफिस को आपको लिखने की मेमो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग क्या है सर्टेन मटेरियल, दैट मटेरियल इज़ नॉट टू सेंसिटिव टू पुट अ मेमो, कहते हैं कोई इतना सेंसिटिव इशू है अगर कोई भी तो वो आप मेमो राइटिंग उसके लिए नहीं करेंगे। समटाइम्स इशू जो होते हैं वो एक चक से ही रिलेटेड होते हैं, हमें सबको भेजने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो मेमो उसको भी लिखा जा सकता है। हाँ, अगर सबको ही भेजने की जरूरत है, कोई मैसेज कन्वे करना है तो भी हम बाय मेमो जो है वो कर सकते हैं, मेमोरेंडम राइटिंग के ये की जा सकती है। ओके जी, क्या कहते हैं कि इसके डिफरेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो जाए, फेस टू फेस बुला के कह दिया जाए या फिर फोन कॉल कर लीजिए, अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो बाय मेल या फिर मेमो राइटिंग करके आप उसको वो कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आता पूछें मेरे से। फाइव मिनट दे रही हूँ स्लाइड्स को पढ़े, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से। जी बिल्कुल, आज फाइनल ईयर का इंग्लिश का पेपर है, दुआ करें कि अच्छा अच्छा ही हो रहा हो। यहाँ तो देखे आ गए होंगे बाहर अब तक, यहाँ फिर दे रहे होंगे, लेट्स सी क्या कर रहे हैं वो लोग। Thank you.
आगे ऑडियंस एंड पर्पस को अगर हम दोबारा से मेमोज आर मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन सेट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट कंपनी और जॉब ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं मेमो जो है वो मोस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं यूज्ड व्हेन सेट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट कंपनी और जॉब ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि अगर कम्युनिकेट करना है किसी एक शख्स ने करना है अपने किसी लिटिल अमाउंट ऑफ और स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल को तो वो कम्युनिकेट करेगा बाय मेमो और जॉब ऑब्जेक्टिव्स ठीक है तो मेमोज कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि बजाय कि आप लोग जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को मेमो लिखा जाता है टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एसएनसी ठीक है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ एसएनसी शालामार नर्सिंग कॉलेज फ्रॉम द मैनेजमेंट आ जाएगा टू में टू ऑल स्टूडेंट्स आ जाएगा और जो है टू फ्रॉम डेट में डेट आ जाएगी और आगे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट उसमें वो आ जाएगा ठीक है सब्जेक्ट में जो है आप लोग खुद देख लेंगे कि सब्जेक्ट में क्या आना है सब्जेक्ट में अगर आप देखते हो तो सब्जेक्ट में जो है वो आ जाएगा सब्जेक्ट में जो है ऑडियंस एंड पर्पस मेमोराइटिंग में जो है सब्जेक्ट में आप लोग ये देखते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को क्या पंक्चुअलिटी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉलेज शालामार नर्सिंग कॉलेज तो उसमें क्या होगा कि एक ही होगा मेमोराइटिंग तो क्या होगा टू ऑल यूजर्स तमाम यूजर्स जो है वो उसमें आ जाएंगे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक हो गया तो वो सारे इसमें आ जाएंगे तो मेमोज आर मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन सेंट टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट कंपनी और जॉब ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही हम जो है कम्युनिकेट करने के लिए भी कर देंगे और साथ ही हम जॉब ऑब्जेक्टिव्स भी उनके जो है वो दे देंगे उनको कि जॉब ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारे है क्या और हम किस तरह से चाह रहे हैं ये सारा क्या सारा काम करना है इट क्लियर जी रीड कर लें इसको इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछ लें आप लोग सलमान को आवाज क्यों नहीं आ रही अभी तक सलमान को पता नहीं क्यों नहीं आवाज आ रही बाकी सब ने पढ़ लिया that is
जी स्टूडेंट्स, ऑडियन एंड पर्पस जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से बता दिया, मैंने आप लोगों को कंप्लीट हो गया हम लोगों का ये स्लाइड जो है ऑडियंस एंड पर्पस की, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पार्ट्स ऑफ मेमो। पार्ट्स ऑफ मेमो जो है वो हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ मेमो है क्या, लेकिन अभी जो है आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और PPT जो है वो मैंने अपलोड भी उस पर कर दी है स्लम्स पे, ठीक है, शालामार ई लर्निंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पे। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो ये देखना है कि उस पर जाकर तो आप लोगों ने इसको याद करना शुरू कर दें ताकि आपके टेस्ट भी जो है वो लिए जा सके, ठीक है। क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि कॉलेज कब तक जो है वो ओपन होते हैं, राइट, तो उसमें क्या है कि करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आप लोगों का। Thank you.